हेलो एंड वेलकम एस्पिरेंट्स टू पार्ट थ्री ऑफ बुद्धिज्म। पिछले दो लेक्चर हम कर चुके हैं, तो आप उसको देख लें एंड अच्छे से फॉलो कर लें, क्योंकि हम जितना डेप्थ में कवर कर रहे हैं इतना आपको शायद और कहीं नहीं मिलेगा सोर्सेज में। एनीवे, आज हम देखेंगे वेरियस सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो चलिए फिर से मैं आपको एक स्टोरी फॉर्म की तरह लेके चलता हूँ आगे। फर्स्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? बुद्धा की डेथ के इमीडिएट बाद, 483 BC में। ठीक है, याद है? यहाँ पे कौन से दो टेक्स्ट निकल के आए थे? सुत्त पिटाका एंड विनय पिटाका। ऑलराइट, विनय किसने लिखा था? उपाली। सुत्त किसने लिखा है? आनंद। सुत्त पिटाका में क्या है हमारे पास? रूल्स, सॉरी 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 सॉरी, सूत्र में हमारे पास है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। विनय में क्या है? रूल्स फॉर मॉन्क्स। ठीक है, ये हुआ था फर्स्ट में। फिर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 100 साल बाद, 383 BC, विस्की वर्ड याद होगा है ना, फर्स्ट का राम। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे बात हुई क्या हमें विनय पिटाका में मोर रूल्स ऐड करने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन निकल के सामने आया। कुछ लोगों ने कहा यस, कुछ ने कहा नो। यस वाले थे माइनॉरिटी में, यानी बहुत कम लोग थे जो चेंज चाहते थे। इन्होंने कहा यस, बट मेजॉरिटी ने कह दिया नो, नहीं चाहिए कोई नए रूल्स, है ना। तो यस वालों को हमने कहा स्थाविरवादिन, स्थाविरवादिन। ऑलराइट, एंड मेजोरिटी वालों को जो कि नो में थे उनको कहा महासंघिकास। ऑलराइट, ये सेकेंड काउंसिल में हो गया था। फिर थर्ड काउंसिल 250 BC में हुआ, किंग अशोक की पैट्रोनेज में। यहां पे क्या बना था? अभिधम्म पिटाका, जिसने सुत्त पिटाका की टीचिंग्स को और ज्यादा सिस्टमेटाइज कर दिया। तो ऐसे हमें मिल गए हमारे त्रिपिटाका। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया था। अब यहां पे हुआ क्या, ये जो महासंगीतास थे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि नो वी रिजेक्ट दिस। तो महासंगीतास के लिए आज भी सिर्फ दो ही पिटाका हैं, ये अभिधम्म पिटाका को नहीं मानते, लेकिन स्थाविरवादियों ने इसको एक्सेप्ट किया कि ये है। तो अब हम बात यहां से शुरू कर देंगे, पूरी पूरी बात जाएगी स्थाविरवादियों की तरफ। महासंगिकास को अभी के लिए साइड में कर दीजिए, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब हमारा पूरा लेक्चर होगा स्थाविरवादियों के अराउंड। ऑलराइट, तो यहां पे क्या हो रहा था कि दो वर्ड थे, एक था पुद्गल, सॉरी ना पुद्गल पुगदल, और एक वर्ड यूज हो रहा था सत्वा। अब बुद्धा ने क्या किया था, जब बुद्ध थे ना तो उन्होंने टीचिंग के टाइम इन दोनों वर्ड्स को बिल्कुल इंटरचेंजेबली यूज किया। कभी वो पुगदल बोल देते थे और कभी सत्वा बोल देते थे। ओके, तो इसी को लेके सारा फसाद शुरू होगा। अगर बेसिकली हम इनकी मीनिंग में जाएं तो पुगदल का मतलब होता है पर्सन और सत्वा का मतलब होता है लिविंग बींग। तो बुद्ध इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया था। तो अब ये बात हुई कि ये दोनों वर्ड एक ही हैं या अलग अलग। तो इसमें एक्सप्लेनेशन ये दिया गया कि देखिए, बुद्ध के में कुछ होते थे फिलोसफर्स, उनको फॉलो करने वाले, है ना, इंटेलेक्चुअल ज्ञानी टाइप के लोग, इंटेलेक्चुअल, और कुछ होते थे लेमैन, कॉमन मैन टाइप। तो उन्होंने अपनी जो अलग अलग ऑडियंस थी ना उनको समझाने के लिए कभी पुद्गल वर्ड यूज किया एंड कभी सत्वा वर्ड यूज किया, लेकिन सभी लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हुए। ये जो विद इन स्थाविरवादियों, सब लोग इसमें सेटिस्फाई नहीं हुए। तो अब होता है यहां पर कि ये जो स्थाविरवादियों है ना, ये डिवाइड हो जाएंगे तीन अलग अलग पार्ट में। तो मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करने वाला हूं एक एक करके। प्रीमियस पे क्वेश्चन आया है इसलिए मैं आपको इतना डेप्थ में ले जा रहा हूं, वरना मैं खुद ही नहीं पढ़ाता ये सब। चलिए, ये हैं हमारे स्थाविरवादिन।
इन दो वर्ड्स को लेके, पुग्दल और सत्वा, और बल्कि आप पुग्दल याद रखिए, इस पुग्दल वर्ड को लेके ही सारा फसाद शुरू हुआ। तो एक तो सेक डिवाइड हो गया पुग्दलवाद में, ठीक है, एक बन गए सर्वस्थीवाद। अभी समझा रहा हूं मैं ये सब, एक एक वर्ड क्या है ये सब। और इन सर्वस्थीवाद को ही अपोज करते हुए, इन्हीं को अपोज करने के लिए एक बन गया विभाजवाद, विभाजवाद, ठीक है। तो स्थाविरवाद इन हमारा तीन सेक्ट में डिवाइड हो गया, पुग्दलवाद, सर्वस्थीवाद एंड विभाजवाद। यहां तक की पिक्चर क्लियर है या नहीं? आई होप क्लियर होगी। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। हम करेंगे पेन का कलर चेंज, बोर हो गए इससे। पहले पढ़ेंगे सबसे पहले सर्वस्थीवाद, बिल्कुल आराम से सुनिए, सब इजी है, कोई टेंशन नहीं। ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल पांच स्कंद से मिलके बना है। एवरी इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड ऑफ फाइव स्कंद, स्कंद या फिर धर्म, स्कंद और धर्म कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, फाइव से बना है। पहला क्या है? बॉडी, यानी कि रूप, जो हम हिंदी वर्ड यूज करते हैं ना, रूप, इसका रूप अच्छा है, यानी बॉडी अच्छी है। इमोशंस मतलब विधान, परसेप्शन, आप इंग्लिश वर्ड भी याद रख लेंगे ना, काफी है, परसेप्शन में समझना। मेंटल एक्टिविटी मतलब उसकी सोच, यानी कि उसके संस्कार, संस्कार। और लास्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि उसकी अंतरात्मा, विजनन, ठीक है। तो वो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये कहता है कि सब कुछ पांच स्कंद से मिलके बना है, बॉडी, इमोशंस, परसेप्शन, मेंटल एक्टिविटी एंड कॉन्शियसनेस। ओके, सर्वस्थीवाद कहता है कि हर इंडिविजुअल इज मेड अप ऑफ फाइव स्कंद और धर्म, दैट इज बॉडी, रूप, विधान, इमोशंस, समझना, परसेप्शन, संस्कार, मेंटल एक्टिविटी एंड विजनन, कॉन्शियसनेस। तो इतना समझ में आया यहां तक? अब पिक्चर कहां पहुंचती है कि ये कहता है कि देखिए, ये जो पांच स्कंद है ना, जिनसे मिलकर इंसान बना है, ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। ये पास्ट में भी एग्जिस्ट करते थे, ये प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल बॉडी, तो आज आपकी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, आज आप जिस तरह से इसको देख रहे हैं उस फॉर्म में, ये कल को जब आफ्टर डेथ यू विल बी बरीड और यू विल बी क्रीमेटेड, तो आपकी बॉडी अलग, मे बी पार्टिकल्स के फॉर्म में हो, मे बी एटम्स के फॉर्म में होगी, लेकिन होगी जरूर फ्यूचर में भी। ये पहले भी थी, आज भी है और आगे भी होगी। सिर्फ अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उनका कॉन्फिग्रेशन या अरेंजमेंट, कॉन्फिग्रेशन और अरेंजमेंट, सिर्फ उनका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। ये आपका कीवर्ड है यहां पर। आपकी ये पांच स्कंद से आपकी बॉडी बनी है, और आपकी ये बॉडी, आपके पांचों स्कंद पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमेशा रहेंगे, पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, सिर्फ इनका कॉन्फिग्रेशन चेंज होगा। क्योंकि आज जो हम अपनी बॉडी जिस रूप में देख रहे हैं, बनी किससे? सब एटम्स से तो मिलकर बनी है ना। तो इवन डिके होने के बाद भी आपकी बॉडी चाहे एटम्स के फॉर्म में रहे, लेकिन रहेगी, ये पांचों स्कंद रहेंगे, ठीक है। ये कहा सर्वस्थीवाद ने। तो ये स्कूल ऑफ थॉट क्लियर हो गया आपको? आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब अगर आपको सर्वस्थीवाद क्लियर हो गया है तो आपको अगला भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने आपको कहा था सर्वस्थीवाद को अपोज करने के लिए ही आया था विभाजवाद, ठीक है, कहा था मैंने आपको ये बात। तो विभाजवाद भी लगभग सेम है, ये सिर्फ एक ही बात कहता है उनसे कि ओनली सम स्कंद, सारे नहीं, पांचों नहीं, सिर्फ कुछ स्कंद एग्जिस्ट करते हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में। ओके, सारे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ओनली सम स्कंद एग्जिस्ट इन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सिर्फ इतना ही फर्क है। अब देखिए यहां पे ये डिस्टिंक्शन कर रहा है ना, इसीलिए इसका नाम विभाज रखा गया, डिस्टिंक्शन कर रहा है ये। इसका इसका लिटरल मतलब ही है दोज हु मेक डिस्टिंक्शन,
पिछला वाला स्कूल तो पांचों स्कंद धर्म को एक ही बात कह रहा था, ये डिस्टिंक्शन कर रहा है कि कुछ रहेंगे कुछ नहीं रहते हैं। तो दोस वो मेक डिस्टिंक्शन, इन्हें हम कहते हैं विभाजवाद, ठीक है। और पिछला वाला जो था सर्वस्थितिवाद, उसको हम रियलिटी ऑफ इंडिविजुअल भी कहते हैं, क्योंकि वो यही कहता है कि इंडिविजुअल रियल है, हमेशा रहेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब में। दो स्कूल ऑफ थॉट क्लियर हो गए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे सारा रायता फैलना शुरू हुआ था, पुगदलवाद। इसको समझिए, कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, डोंट वरी। अगर स्टोरी अच्छे से क्लियर हो गई माइंड में तो सब समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है ईच इंडिविजुअल हैज ए यूनिक एंड एंड्यूरिंग आइडेंटिटी। क्या आप सिर्फ हर एक इंडिविजुअल को पांच स्कंद में ही मत मानिए? अगर ऐसा है तो फिर सभी सेम हो गए ना, वही एटम्स हैं, वही सब कुछ है, ठीक है, सबके इमोशंस वैसे ही हैं। हर इंसान में सेम इमोशंस देखने को मिलते हैं हमें। लेवल किसी इमोशन का ज्यादा होता है, कोई ज्यादा इमोशन रोने वाला होता है, कोई ज्यादा बोल्ड होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि देखिए, इन पांच स्कंद के अदर देन दीज फाइव स्कंद, एवरी इंडिविजुअल हैज ए यूनिक एंड एंड्योरिंग आइडेंटिटी। और इस यूनिक और एंड्योरिंग आइडेंटिटी को ही कहा जा रहा है पुगदल। पुगदल मतलब पर्सन, ऑल राइट। और ये कह रहा है कि ये जो पुगदल है ना, ये एक्चुअली में एक बर्डन है, और इस बर्डन को रिमूव किया जा सकता है बाय स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, और तभी जाके आपको मोक्ष मिलेगा। ये है पुगदलवाद स्कूल। और ये क्योंकि यहाँ पे ये एक पर्सन को पूरा सेंटर में रख के अपनी फिलोसफी तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं फिलोसफी ऑफ पर्सनलिज्म, फिलोसफी ऑफ पर्सनलिज्म। क्लियर? एंड दिस फिलोसफी वॉज गिवन बाय वत्स सुपुत्र, इसलिए इनके फॉलोअर को वत्सुपुत्रीय भी कहा जाता है। क्लियर हो गए तीनों स्कूल्स? चलिए एक बार फिर से आते हैं, अपन चीजें और क्लियर करके पढ़ते हैं। ये था हमारा स्थाविरवाद, वादिन्स, ठीक है। अब इसके बाद हमारे इसके हो जाएंगे तीन पार्ट, पुगदलवाद, ठीक है। अब जितना फ्लो चार्ट अपने आंसर्स में बनाएंगे या अपने नोट्स में बना के रखेंगे, रिवीजन उतना इजी होगा। वर्ड टू वर्ड अगर बनाए हैं तो रिवीजन करने में दिक्कत आएगी बाद में। चलिए, हम बात कर रहे थे स्थाविरवादिन स्कूल की, स्थाविरवादिन, ठीक है। तीन पार्ट में ये डिवाइड हो गए। पहला आया पुगदलवाद, दूसरा आया सर्वस्थितिवाद, और इसी को अपोज करते हुए आया विभाजवाद। ठीक है, यहां तक। अब देखिए, इस पुगदलवाद के अपने भी सब स्कूल्स निकलेंगे यहां से। सिर्फ नाम जानना है और कुछ नहीं जानना है, क्योंकि फिलोसफी सेम है, सामित्य। ये नाम यूज हुए हैं एमसीक्यूज में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, एक नजर इन पे डाल लीजिए। और ये याद कैसे करेंगे आप इतने सारे, ये मैं आपको लेक्चर के आखिर में बता दूंगा, याद भी करवा दूंगा। ये है धर्मोत्तरीय, आपको याद भी करवा दूंगा, आपको पीवाईक्यू आप सॉल्व भी कर पाएंगे। भद्र यानी एंड सन्नाकारिका, ठीक है। तो ये स्कूल निकल के आए पुगदलवाद के। यहां से विभाजवाद और इन दोनों ने मिलके एक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया, जिसका नाम था हेमावत। एक और किया जिसका नाम है महिसका, महिसका। एंड इवन इस महिसका का तो अपना खुद का भी एक स्कूल निकल के आएगा, जिसका नाम है धर्मगुप्त का। सब याद हो जाएंगे अभी, कोई टेंशन की बात नहीं है। सर्वस्थितिवाद के भी तीन सबसेक्ट्स बने, दैट इज स्वतंत्रिका, मूल सर्वस्थितिवाद एंड वैभाषिका। ये वैभाषिका इंपॉर्टेंट है, आप सारे याद ना भी रख पाए तो प्लीज वैभाषिका को याद रखिएगा, और यहां से सामित्री को याद रखिएगा।
आगे बढ़े। तो देखिए ये पूरी कहानी हो गई है सरस्वतीवाद की, खत्म। अब हमने कहा था कि महासंघिकास को अभी साइड में रखिए, अब हमें शुरू करना है महासंघिकास। इसमें डिटेल कुछ नहीं जाननी है, सिर्फ सिंपल हमें फिलोसफी जाननी है, मतलब इनके सब स्कूल्स जानने हैं। अब आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हुआ क्या क्या बुद्धिज्म में एक्चुअली। चलिए महासंघिकास, ऑलराइट। देखिए ये डिवाइड हुआ तीन अलग अलग सेक्ट में। पहला बना गोकुलिका, दूसरा कैतिका और तीसरा एक व्यवहारिका। थोड़ा बाहर जा रहा है ये, एक व्यवहारिका। ठीक है, इनकी सब स्कूल की बात करें तो इसके दो स्कूल निकल के आएंगे। पहला है बहुश्रुतीय एंड प्रजनापतिवाद। ज्यादा मुश्किल नहीं है, इमेजिन कीजिए गोकुल नाम का कोई गांव है जहां पे प्रजना नाम की लेडी और उसकी बहू आई है, अभी शादी हुई है सपोज। ठीक है, गोकुल गांव, प्रजना नाम की लेडी है और उसके घर में बहू आई है। या ऐसे याद रख लीजिए, गोकुल गांव में कोई बहू आई है नई प्रजना नाम की, जैसे याद रखना हो। ठीक है, मतलब बस आपका गोकुल गांव एक बहू बहू है जिसका नाम प्रजना है, बस इतना याद रख लीजिए। कैतिका, इसके नाम बड़े सिंपल हैं, अपार सायला एंड उत्तर सायला। ठीक है, ये कैथिका के दो इजी हैं, अपार एंड उत्तरा, अपार एंड उत्तरा। ओके, एक व्यवहारिका का सिर्फ एक ही स्कूल आएगा, लोकोत्तरवाद। ठीक है, ये पूरा इन्फ्लुएंस है इस पे शून्यवाद की फिलोसफी का, शून्यवाद की फिलोसफी का, या उसको शून्यवाद ही कह सकते हैं आप। ऑलराइट, तो ऐसे करके 18 सेक्ट्स बन गए। एंड पूरे 18 सेक्ट्स जो हैं, इन पूरे 18 सेक्ट्स के नाम हमें कहाँ मिलते हैं, जब मैं आपको लिटरेचर कराऊंगा उसमें भी बताऊंगा और अभी भी बता रहा हूं। ये सारे सेक्ट्स के नाम हमें मिलते हैं किताब जिसका नाम है कथावत्तु। कथावत्तु ये किताब हमें बताती है पूरे 18 सेक्ट्स जिनमें डिविजन हुआ था, और एक किताब लिखी थी टिस्सा ने। ऑल राइट right. तो यहां तक क्लियर है, ये सब हो गया। अब वापस मैं एक बार आपको अब ले जाऊंगा फोर्थ काउंसिल की तरफ। मैं आपको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बताया था, ठीक है, फोर्थ वाला कब हुआ, फर्स्ट सेंचुरी एडी में। कीवर्ड क्या था, केवी के कश्मीर में हुआ। ऑल राइट right. तो यहां पर क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि महायान और हीनयान में डिवीजन हो गया, एक महायान सेक्ट बन गया, एक बन गया था हीनयान। इसकी डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी फिलहाल मैं आपको यहां पर सिर्फ ये बता रहा हूं कि यहां पे इतने सारे 18 सेक्ट होने के बाद लोगों ने पूछा, यार बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कोई सहमति नहीं बन पा रही आपस में। तो लोगों ने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, आप बस ये बताइए कि आप में से कौन बुद्धा को गॉड मानता है, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन। सारे 18 सेक्ट उन्होंने साइड में रखा, बुद्ध को आप क्या मानते हैं। तो महायानिस ने कहा हमारे लिए बुद्ध भगवान है, हम उन्हें गॉड मानते हैं। हीनयानिस ने कहा नहीं, जब उन्होंने खुद अपने आप को प्रैक्टिकल रिफॉर्मर कहा है, टीचर कहा है, तो हम उनको टीचर ही मानते हैं। क्लियर, तो गॉड जो मान रहे थे ना, इनको सपोर्ट कर दिया महासंघिका वालों ने, महासंघिकास। इन्होंने ज्वाइन कर लिया महायान वालों को, और स्थावरवादींस ने ज्वाइन कर लिया हीनयान्स को। ठीक है, और क्योंकि ये स्थावरवादींस यानी हीनयान को ये लोग क्या बोल रहे हैं, लेसर व्हीकल, यानी आप लोग छोटे हो, आपका गोल छोटा है, तो इनको ये नाम पसंद नहीं था, इन्होंने इसलिए इन्होंने अपने आप को स्थावरवादींस की जगह कहा थेरावादींस। ये हम थेरावादींस, थेरावादींस मतलब होता है स्कूल ऑफ एल्डर्स, बुजुर्गों का स्कूल। ठीक है, तो ये फोर्थ में आ गया। तो याद रखिएगा, देखिए दोनों में महावर्ड भी आ रहा है, तो आपको याद रखना दिक्कत नहीं आएगी। महासंघिकास किसके सपोर्ट में चले गए, महायान के, और जो स्थावरवादींस थे वो चले गए हीनयान के सपोर्ट में। क्लियर है यहां तक, तो ये हमारी पूरी पिक्चर है।
18 सबसेक्ट्स की। आप ये स्थापित वाद्यांश पहले याद ना भी रखें तो मत रखिए, लेकिन अगर आप महासंगीतास के याद रख लेते हैं तो आप, जो महासंगीतास के नहीं है तो फिर वो ऑटोमेटिकली उधर चले जाएंगे, राइट। और महासंगीतास में याद रखना मुश्किल नहीं है। इमेजिन कीजिए एक गोकुल गांव है जहां पर कोई लेडी है प्रजना, उसकी बहू आई है, या सपोज कोई बहू आई है प्रजना नाम की, ये याद रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तीन। दूसरा है कैतिका। कैतिका सपोज कोई भी लेडी है, उसकी दो बेटियां हैं बस, अपार एंड उत्तरा, ठीक है। और दोनों का व्यवहार एक जैसा है, एक व्यवहार ही का, ठीक है। इसका सबसेट लोकत्रवाद, और फिलोसफी क्या है, शून्यवाद। कथावतु नाम की किताब हमें इनके नाम बताती है। तो आप बस महासंगीतास से याद रख लीजिए तो आपको स्थाविरवादियों के ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट अबाउट दिस वेरियस सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। अब आपके दो टॉपिक और बच जाते हैं, दैट इज बुद्धिस्ट लिटरेचर, जो मैं अगले पार्ट में लूंगा, और फिर आपका बच जाएगा एक बोधिसत्वास। तो बस वो करके फिर आप बुद्धिज्म पूरा कंप्लीट करेंगे, और मैं आपको काफी सारे एमसीक्यूज कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपको आपको कितना फायदा हुआ इससे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।